हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिम्प्यूट्रॉनिक्स। ये आप देख रहे हैं, मैंने ये दो एक्सेल के फाइल तैयार किए हैं। एक ये फाइल आप देखेंगे, इसमें मैंने तैयार किया है ये जो लोन होता है, लोन के ईएमआईज और उससे रिलेटेड इंटरेस्ट की एक सीट मैंने तैयार करी है। इसमें कई सारे सीट्स हैं, इसमें सब अलग अलग कस्टमर्स नेम है और अलग अलग उनका टेन्योर और अमाउंट है, उससे रिलेटेड सीट है ये। इंडिविजुअल के लिए एक एक सीट बना हुआ है और इसमें देखेंगे उनकी ईएमआईज की डिटेल्स डला हुआ है। ये कोई बैंक वाला जो लोन होता है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो भी मैन टू मैन चलता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। इस तरह की और भी कुछ चीजें हो सकती हैं, ये मैं एक एग्जांपल के लिए लिया हूँ, किसी और सीट के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं, पहले पूरा आप समझ लें। इसमें ये देखेंगे एक इंस्टॉलमेंट जो है वो डिफाइन किया गया है, बट वो पे करना है हर मंथ के फर्स्ट को, लेकिन यहाँ पे पेमेंट कभी फर्स्ट को आ रहा है कभी नहीं आ रहा है और अलग अलग डेट्स पे आ रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कि जब जो इंस्टॉलमेंट है वो पर्टिकुलर डेट पर नहीं आता है यानी ड्यू डेट पर नहीं आता है, तो पार्टी से एडिशनल इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा उतने दिन का। जैसे यहाँ पे 1 मार्च को आना था, आया है 5 मार्च को, तो 4 डेज का इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट कर दिया गया। फर्स्ट 90 डेज के लिए 15% एंड देयर आफ्टर 18%। ऐसे कुछ एग्जांपल इसमें आप देखेंगे आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे इसमें फर्स्ट 90 डेज के लिए इंटरेस्ट पार्ट ये है जो कि 15% के हिसाब से है, और आगे के यानी 90 डेज के बाद का जो जब तक का ड्यू है तब तक का इंटरेस्ट ये है, और इस तरह से टोटल इंटरेस्ट ये आता है। अब बात आती है कि हम इस सीट पे डिस्कस क्यों कर रहे हैं। सपोज करो ये आप देख रहे हैं अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग सीट इंडिविजुअल बना हुआ है, ये इंडिविजुअल सीट है पर्टिकुलर कस्टमर के लिए। अब एक हमारे पास समरी सीट है, ये हमने समरी सीट तैयार किया है ताकि वहां पे तो हम एक 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 करके हम देखेंगे, पर यहाँ पे कलेक्टिव रिपोर्ट अगर हमें बनानी हो तो उसके लिए हमें समरी सीट बनाते हैं। इस तरह का ढेरों रिपोर्ट्स और एमआईएस जो हैं वो ऑफिसेज में बनते रहते हैं। अब यहाँ पे हम बात जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, समरी में आप देखेंगे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि जो लोन अमाउंट है वो, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टेन्योर है, इसके बाद आता है बैलेंस ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू, टोटल ड्यू। अब ये जो ड्यू है वो हम यहाँ इंडिविजुअल सीट से उठाएंगे, ये आप एक एक करके यहाँ से उस सीट में लेके जाएंगे। बात आती है कि यहाँ पे बैलेंस अमाउंट जो आता है, बैलेंस ड्यू प्लस उसके ऊपर एडिशनल इंटरेस्ट जो पेनल्टी के लिए है वो यहाँ पे लिखेंगे, और फिर टोटल ड्यू यहाँ पे लिखा जाएगा। अब इन तीनों चीज को हम इंडिविजुअल सीट जो है उस फाइल से लेकर आएंगे, यहाँ से आपको कॉपी और उसमें पेस्ट करना है। तो सबसे पहला है, देखते हैं, इसमें पहला है A001 कस्टमर कोड हमने दिया है, क्योंकि नाम तो कई लोगों के एक ही जैसे हो सकते हैं, तो इसलिए कस्टमर कोड हमने एक यूनिक आईडी बना दिया है। अब इसमें यहाँ पे डालेंगे बैलेंस ड्यू, यानी बैलेंस ड्यू कितना है वो देखते हैं हम। अब जो इंडिविजुअल सीट है यहाँ पे आते हैं, इस कोड का है ये, ऊपर में आप देखेंगे एक समरी बनाया गया है, इसमें कोड आ रहा है, नाम आ रहा है, तो इस कोड या नाम का यही डिटेल जो है समरी सीट में जाएगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं इतना अमाउंट आना चाहिए था, इतना आया है, ये आप देखेंगे मैंने इसको ऐड कर लिया है ऊपर से, रोज को ऐड करने के बाद ये वैल्यू यहाँ पे आता है, तो ये कौन से रो का है, नेट अमाउंट जो पेएबल है, ड्यू है। इसी तरह से ये रिसीव्ड अमाउंट का यहाँ पे सम किया गया है, यानी कि जो आना चाहिए था वो ये है, और इसमें से माइनस हम इसको कर लेते हैं रिसीव्ड अमाउंट को, तो अब हमारे पास बैलेंस ड्यू आ गया, और इस बैलेंस ड्यू को हम यहाँ से कॉपी करके और दूसरी सीट में पेस्ट कर सकते हैं। ये देखें पेस्ट हो गया यहाँ पे, लेकिन जब आगे इसमें कोई एक इंस्टॉलमेंट सपोज आ जाता है किसी डेट को, अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मेरे पास एक और इंस्टॉलमेंट आ जाता है 20th को, अब ये देखें रिसीव्ड अमाउंट बढ़ गया और रिमेनिंग अमाउंट यानी बैलेंस अमाउंट जो है वो कम हो गया। यहाँ पे तो कम हो गया लेकिन इस जगह पे कम नहीं हुआ, ये अपने आप इसका इफेक्ट यहाँ पे आना चाहिए जो कि नहीं आया, और इसी के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये हम कैसे करेंगे। वो हम ऐसे करेंगे, पहले वापस हम इसको रिमूव कर देते हैं, जो हमारे पास एक्चुअल था उतना ही रहते देते हैं, ये हमने रिमूव कर लिया। अब देखें आपका ये वैल्यू आ रहा है, अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, फिर दूसरी सीट में जाते हैं और यहाँ पे कर्सर रखने के बाद पेस्ट में जाएंगे, और इसमें सबसे नीचे देखेंगे पेस्ट स्पेशल है, ये पेस्ट स्पेशल का विंडो ओपन हो गया, इसमें डेरो ऑप्शन है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे बाद में, अभी फिलहाल हम इस पेस्ट लिंक का यहाँ पे बटन देख रहे हैं, इस पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करते ही आप देखें वहां से वैल्यू यहाँ पे कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, सेम अमाउंट है जो यहाँ पे आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ भी चेंजेस होगा, सपोज मैं यहाँ पे एक एंट्री दे देता हूँ,
अभी रिसीव्ड अमाउंट यहाँ बढ़ गया तो ऑब्वियसली ये रिमेनिंग अमाउंट यानी कि बैलेंस अमाउंट कम हो जाता है। तो यहाँ पे जितना अब रिमेनिंग बैलेंस है यही रिमेनिंग बैलेंस आपको इस सीट में भी दिख रहा है क्योंकि ये लिंक कर दिया गया उस सीट का इस सीट से। इससे क्या होगा, जो भी चेंजेज इसमें कहीं पे भी होगा वो सारे चेंज आपको वहां पे भी दिखेगा क्योंकि इसका इफेक्ट जो है वहां पे भी ऑटोमेटिकली लेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा। ऐसा ही मैं एक ये भी दिखा देता हूँ, ये इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट को भी हम वहां पे रखेंगे, ये टोटल इंटरेस्ट है। अब हम जाते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट ड्यू हम वहां पे लेके जाएंगे, ये कॉपी कर लेते हैं। दूसरी सीट पे जाएंगे, यहाँ पे सेम प्रोसेस यूज करेंगे, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। ये देखें वहां से इंटरेस्ट, चूंकि ये डेसिमल प्लेसेस में आया है इसको हम डेसिमल जितना चाहें उतना एडजस्ट कर सकते हैं। मैं विदाउट डेसिमल प्लेस भी रख सकता हूँ, ये हो गया। टोटल ड्यू वहां से भी लाना चाहें तो ला सकते हैं और यहीं से ऐड करके भी कर सकते हैं। अब क्या होगा, ये बैलेंस ड्यू और इंटरेस्ट ड्यू यहाँ पे इस सीट में कम ज्यादा होते रहेंगे। कोई एक इंस्टॉलमेंट आ गया तो कम हो जाएगा, उसी हिसाब से अगर इंस्टॉलमेंट लेट आता है तो जितने दिन लेट से आएगा उतने दिन के हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो ऐड होता जाएगा, यानी इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा। तो उस हिसाब से ये वैल्यू जो है यहाँ पे भी चेंज होता जाएगा। सपोज हम इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, इंटरेस्ट कम या ज्यादा हो सकता है। पहले से मैं आपको एक बार कन्फर्म करा दूं, ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है अभी 5373 है और दूसरी सीट में भी आप देखेंगे 5373 है, पर अब चूंकि हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं 3 मार्च के बजाय यहाँ पे 20th मार्च कर दिया मैंने, अब यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ गया, यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट अब जो है 5373 के बजाय 5429 हो गया, यहाँ पे भी आप देखेंगे 5429 हो गया। तो इस तरह से बाकी के बचे सीट्स को भी आप लिंक कर सकते हैं, ये जितने भी सीट्स हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, कीप वॉचिंग।